बैक टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी अभी ना जो सुबह ब्लॉग शूट किया था उसको अभी अभी तुरंत पब्लिश किया। आज पूरे 2 घंटे से मैं अपना वीडियो अपलोड कर रही थी, हो ही नहीं रहा था, पता नहीं इसमें क्या हो गया था। और इतना ज्यादा मैं परेशान हो गई आज वीडियो को लेकर, और मेरा आज फास्ट भी, मुझे भूख भी बहुत तेज लगी थी। फिर अभी ना थोड़ी देर पहले थोड़ा सा मैंगो शेक पिया तो थोड़ी सी राहत मिली, वरना मैंने आटा वाटा मार लिया तो मैं जा रही थी पूड़ी बनाने, लेकिन उधर ब्लॉग नहीं अपलोड हो रहा था और इधर जो है ये मैंगो शेक की जिद कर रही थी। और तो, हम लोगों ने बहुत दिनों के बाद ठंडा मैंगो शेक पिया, हाँ, आज बर्फ डाल के, तो उसकी वजह से भी मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तो वो अभी अभी अपलोड होके और पब्लिश भी हो गया है, पहुंच भी गया है। तो मैंने सोचा कि चलो अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए, अब मैं व्रत का बनाने जा रही हूँ अपना पूड़ियाँ और दही। और आन्या भी पूड़ी खाएगी ना, वैसे दाल राइस भी रखा हुआ है, लेकिन ये बोल रही मैं भी थोड़ी सी खाऊंगी पूड़ी, कढ़ाई से मैं जल गई थी। हाँ, तो इसीलिए तो कहते हैं ना किचन में मत खड़ी हो, लेकिन ये साथ साथ मेरे खड़ी रहती है, हटती नहीं है। जब हलवा निकाली थी तब, हाँ, तो लेकिन तब भी ना खड़े होने से भी जल सकती हो, कहीं इधर उधर कुछ लग जाए, लेकिन नहीं मानती है, पूरे टाइम साथ साथ खड़ी रहती है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ और उसके बाद जो भी नाइट का रूटीन है वो अपना दिखाती हूँ। और हाँ, आप लोगों से एक बात ये बोलनी थी कि मेरा लिंक पे आप जाके किचन से रिलेटेड जो भी आपको सामान वहां से परचेज करना है वो आप वहां से जाके परचेज करिए, काफी अच्छे अच्छे आइटम आए हैं वहां पे और बहुत ही रिजनेबल रेट में है। तो आप एक बार जरूर मेरा लिंक पे जाइए और वहां से जाके जरूर परचेज करिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप क्लिक करेंगे तो मेरा लिंक पे ही डायरेक्ट आप जाएंगे और वहां से आप जाके एक बार क्लिक करके जरूर देखिएगा कि किस टाइप के वहां पे आइटम है। किचन से रिलेटेड चॉपर है या फिर जो वो एक हैंड ब्लेंडर आता है वो है, मतलब सारे ही आइटम है बहुत अच्छे अच्छे से। तो एक बार आप जाके जरूर चेकआउट करिए वहां पे मेरा लिंक पे, मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो चलिए अब काम अपना स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए कढ़ाई भी गर्म हो रही है, बनाते हैं अपने खाने के लिए पूड़ियां, क्योंकि बहुत जोरों की यार भूख लगी हुई है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है ना, बस वो खाया था जो आप लोगों के सामने मैंने, मतलब इससे पहले वाले ब्लॉग में शेयर किया है, दही और पेड़ों भी बहुत थोड़ा सा ही मैंने दही लिया था, फिर मेरा मन नहीं किया और शाम को बस चाय पी। शाम को सोचा था कि थोड़े से मूंगफली के दाने तल लेंगे, लेकिन बिना नमक के ना अच्छे नहीं लगते, इस वजह से फिर मैंने नहीं खाया, खाली थोड़े से ही तले थे। हाँ, वो तो सुबह तले थे ना, शाम को कहाँ तले। तो चलिए बना लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सुबह के बाद अब मैं खाने जा रही हूँ, तो ये दही पूड़ी और चने की दाल जो प्रसाद वाली थी ना उसको रख लिए हैं, तो वो भी साथ में खा लेंगे क्योंकि सुबह तो खा नहीं सकते थे। तो ये है हमारा आज का डिनर और आन्या अपना खाने जा रही है दाल राइस। कूदते हुए तुम्हारा वीडियो बना लिया, ये दाल राइस उधर तुम उधर बैठ के खा लो, है ना, क्योंकि इधर हम खा रहे हैं। तो तो चलिए फिर लेते हैं, फिर मिलते हैं, क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। और कितना 8 नहीं 9 बजने वाला है ना, हाँ 8:45 हो गया है। तो मैंने सबका खाना लगा दिया, ये अभी मना कर रहे थे क्योंकि अभी काम कर रहे हैं, इस वजह से इनका नहीं लगाया। और ये कुर्ती ना अच्छी तो बहुत लग रही है येलो, लेकिन पता नहीं इसमें गर्मी लग रही है या फिर ज़्यादा गर्मी है। हालांकि बारिश बहुत तेज यहाँ पे आज हुई, लेकिन गर्मी वैसे की वैसी है। और आज आन्या ने यहाँ पे पूरा डेकोरेट किया है, सब बेडशीट वगैरह ये इधर सब सजाया है पूरा, बहुत अच्छे से इसने पूरा ये आगे वाला जो रूम है उसको डेकोरेट किया है। मम्मा ये तो बताइए किस वजह से, किस वजह से? चींटियों की वजह से। हाँ, चींटियां आ गई थी तो उसकी वजह से। वो बेडशीट रखी कहाँ? उसको धुलने के लिए डाल देना, तो कहाँ रखी? नहीं, धुलने के लिए डाल दो, उसपे ना इतनी चीटियां, पता नहीं चीटियां कहां से, इतनी गर्मी है इसकी वजह से। बटर तो था, लेकिन कोई भी इधर खाओ बेटा, उधर मत खाओ। तो बटर इसने रख दिया था थोड़ा सा, इतना सा ही बचा था, मैंने इससे बोला कि तुम खा लो, लेकिन उसको उठा के रख दिया, एक ही टुकड़ा बचा था। हाँ, तो उससे क्या हुआ, खा लेती, अब वो पूरी चीटियां हो गई और वो चीटियां पूरे बिस्तर पे आ गई, फिर इसने पूरा इसको सब चेंज वेंज करके, मैंने बेडशीट भी चेंज कर, सब चेंज करके। ये मेरा आर्टिफिशियल है, ये पीछे गद्दी लगा रखी है। तो चलिए मैं अभी डिनर कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये एक पूड़ी बच गई, लगता है ना कि बहुत तेज भूख लगी, खा लेंगे, लेकिन मीठे से नहीं उतना मन भरता है ना, जितना नमकीन होता है, तो फिर एक पूड़ी आप एक्स्ट्रा भी खा सकते हो, पूड़ी या पराठा कुछ भी, लेकिन मीठे से नहीं ज़्यादा आप खा सकते हो, तो क्योंकि सुबह से मीठा ही मीठा ना। तो बस अब तो कोई दिक्कत नहीं, रात उसके बाद फिर दिन बीत जाता है, तो इस वजह से भी ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि अगर बाहर कहीं जाना हो ना
तो फिर ज़्यादा लगे कि हाँ थकान लग रही है नमक की वजह से, नमक ना खाने की वजह से। लेकिन घर में रहना है तो इतना नहीं कुछ लगता है। तो बस बीत गया आज का पूरा दिन, और शाम से मैंने जो दूसरा ब्लॉग अपना स्टार्ट किया था, आज शाम को इतना ज़्यादा काम हो गया ना, एक तो वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था और दो वीडियो शूट करने, तो वो भी मैं नहीं कर पाई। फिर मैंने सोचा कि कम से कम अपना ब्लॉग ही स्टार्ट कर देते हैं, एक ब्लॉग ही मेरा बन जाएगा आज। और आन्या भी आज काफ़ी, इसमें देखिए यहाँ पे ना बड़ा अच्छा सा सब ये कुशन उशन, तो अभी तो मैंने रुको आन्या पूरा ऐसे दिखना, तो काफ़ी अच्छे से इसने डेकोरेट किया है। मेरी मम्मा ने जो डॉल वाली बेडशीट मंगवाई थी कहाँ से, लाइम रोड से, लाइम रोड से, हाँ। इतनी बकवास बेडशीट वो आई थी, तो हम लोगों ने उसको बेकार में भी ले लिया कि ऑनलाइन शॉपिंग से आपका विश्वास ही उड़ जाए, बिल्कुल इतनी बकवास आई थी। हालांकि बाकी साइट्स पे अमेजोन वगैरह से मंगाइए तो आप बहुत अच्छी बेडशीट वगैरह आती है, और ये शायद 550 की पड़ी थी और बहुत बेकार है ये, बिल्कुल एकदम पॉलिस्टर कपड़ा है इसका। और डॉल, बस डॉल बनी हुई थी बार्बी डॉल, तो इसने बहुत जिद करी कि नहीं मम्मा ले लो ले लो, तो मैंने भी ऑर्डर कर दिया इसके कहने पे। ये क्या कर रही हूँ पता नहीं इसे क्या, तो लेकिन लाइम रोड से दोबारा मैंने शॉपिंग नहीं करी, बस एक ही बार मैंने ये बेडशीट मंगाई थी, हाँ, और हटा भी दिया वो ऐप मैंने। बाकी अमेजोन फ्लिपकार्ट इन सबसे तो करते रहते हैं, और सामान अच्छा भी आता है, जियो से सॉरी मीशो से बहुत अच्छा आता है, जियो से बहुत अच्छा आता है, लेकिन लाइम रोड का एक्सपीरियंस मेरा बहुत खराब रहा। फर्स्ट टाइम था वो एक्सपीरियंस, और फर्स्ट टाइम में ही इतना ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस रहा कि दोबारा मैं कभी उस साइट से शॉपिंग नहीं करूँगी। बाकी साइड से तो करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन लाइम रोड से नहीं। धीमा करो, इसमें फिर कॉपीराइट आ जाएगा ना। मोबाइल देख रही थी, मोबाइल का बड़ा वो है कि बच्चे बस मोबाइल छोड़ते नहीं, पढ़ाई में भी मोबाइल, उसके बाद भी मोबाइल, मोबाइल छूटता ही नहीं है बच्चों का। आप लोग बताइएगा, आप लोग के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, और थकान हो गई बिल्कुल, तो अब मन कर रहा है कि बस लेट जाए, लेकिन अभी इन्होंने नहीं खाना खाया, इन्होंने कहा अभी मैं रुक के खाऊंगा, क्योंकि अपना सब काम वाम कर रहे थे। अच्छा नहीं, ये भी इसमें कि आराम से टेक लगा लो ना, वीडियो वगैरह बनाना हो तो आराम से टेक लगा के बना सकते। कल मैं अपना रिव्यू का वीडियो यहीं पर शेयर करूंगी, ठीक है, रिव्यू वाला वीडियो यहीं पर शेयर करेंगे, बनाएंगे यहीं पर शूट करेंगे। तो ये अभी अपना काम कर रहे हैं, जब ये काम कर लेंगे तभी खाना खाएंगे, तो तब तक अभी हम लोग इधर, और अक्सर ना ये जब उधर काम करते तो वैसे भी हम लोग इधर ही बैठते हैं, क्योंकि पूरा इतना इनका कागज वगैरह फैला रहता है ना बेड पे कि वहाँ बैठने की, इसलिए सजाया क्योंकि आज मैं यही लेटूं, आज ही यहाँ लेटेंगी, और इतना ज्यादा वहाँ पे फैला रहता है ना कि बैठने की जगह ही नहीं रहती है, तो वैसे भी आगे वाले रूम में हम लोग बैठे रहते हैं, फिर जब ये अपना सब हटा लेते हैं लैपटॉप कागज तभी उधर जाते हैं, वरना फिर उनको डिस्टर्ब होता है बीच में, तार वगैरह कंप्यूटर का लगा है, बार बार निकलो जाओ, तो उस वजह से। तो चलिए इस वीडियो का, इस ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि जो इससे पहले वाला ब्लॉग है वो लंबा हो गया, उसमें मैंने काफ़ी सोचा कि क्या चीज़ उसमें हटाएं, लेकिन कुछ ऐसा हटाने वाला था नहीं, और जब लंबा ब्लॉग हो जाता है ना तो फिर लोग बीच से छोड़ देते हैं, पूरा ब्लॉग नहीं देखते हैं, इस वजह से ब्लॉग मैं छोटे ही बनाती हूँ। और हाँ, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा होगा जो कि पूरा दिखाने लायक हुआ तो लंबा भी बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कहीं गए हैं पूरा आपके साथ शेयर करना है तो वो वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन वैसे डेली रूटीन के वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाती हूँ। और देखिए अब कहाँ कब जाने का मौका मिलता है, अभी तो कुछ सब बंदी चल रहा है, कहीं जाना ही नहीं है, लेकिन हाँ बहुत मन करता है कि कहीं जाएँ, घूमने जाएँ, कहीं बाहर जाएँ, वरना कुछ नहीं तो हम लोग हरिद्वार ही चले जाते थे साल में एक दो बार, वो भी बंद हो गया जब वो पूजा, हाँ पूजा होती थी आश्रम में, तब हम लोग चले जाते थे, या फिर और कहीं का प्लान बन जाता, लेकिन बाहर जाते थे तो ऋषिकेश तो जाते ही थे, हाँ हरिद्वार ऋषिकेश ये सब पूरा घूमते थे हम लोग, तो सब बंद, घरों में सब पैक हो गए हैं बिल्कुल, देखिए कब सब ठीक होता है तब हम लोग, जैसे ही ठीक होगा ना सब नॉर्मल, जब हो जाएगा ठीक का मतलब कि पूरी तरीके से जब ठीक हो जाएगा तो कहीं तो घूमने जरूर जाएंगे, कहीं क्या जहाँ मन करेगा वहाँ चले जाएंगे, जहाँ मन करेगा। तो चलिए इस ब्लॉग का करते हैं एंड, और नहीं जब सबसे पहले लॉकडाउन खुलेगा पहले सब लोग मार्केट जाएंगे, मतलब कि भूतनाथ जाएंगे, वहां से शॉपिंग करेंगे, फिर जाएंगे कहीं जब जाना होगा तो। सो फ्रेंड्स, मेरा लिंक पे जाके आप एक बार जरूर क्लिक करिएगा, जैसे कि ये बेडशीट वगैरह, ये तो मैंने बताया ना ये तो खराब निकल गई,
मतलब खराब की मीन्स कलर वगैरह कुछ नहीं गया, लेकिन इसका कपड़ा नहीं अच्छा है, गर्मियों और में नहीं के बिछा फेसेस सकते भी जैसे लग रहा है डॉल तो नहीं। जो है। लेकिन वहां पे आप कॉटन में बेडशीट है और कुशन कवर भी हैं, तो आप मेरा लिंक पे जाके एक बार जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। और किचन से रिलेटेड भी सामान है वहां पे और होम डेकोर से रिलेटेड भी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक बार आप जरूर जाइए चेकआउट करिए और बताइएगा कि कैसा, जो भी मतलब परचेज करिएगा उसका आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, क्योंकि 9 बजने वाला है, बाय बाय।